पासीदेवा के कांतिबिटा में हुए दुखद पिकअप वैन हादसे के बाद दार्जिलिंग लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने बुधवार को हेलागच गांव के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने इस दिन मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उल्लेखनीय 15 मई को एक शादी समारोह में जाने के दौरान फांसीदेवा में पिकअप वैन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राजू बिष्ट ने कहा कि यह दुखद घटना है, परिवारों के साथ हूँ। अभी भी कई लोग उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती है, वही उनका आरोप है कि घायलों का ठीक से इलाज नहीं किया गया है। राजू बिष्ट ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आगे कहा कि वे मेडिकल कॉलेज जाकर पूरी स्थिति की जांच करेंगे। देखिए, फांसीदेवा जो सड़क दुर्घटना थी, उस समय मैं क्षेत्र से बाहर था, नहीं आ पाया और मैं कल रात को ही सिलीगुड़ी आ गया था और आज सवेरे मैं उसी गांव में उपस्थित हूं। और इसी गांव के 19 लोग एक ही गांव के थे और एक शादी के कार्यक्रम के बाद दुल्हन को वापस घर लाने के लिए जा रहे थे, तो ये सड़क दुर्घटना घटी। मैं कारण पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ही दुखद घटना थी और हमने 3 लोगों को अपने बीच खोया है। 2 लोग बिहार के रहने वाले थे और एक जिस घर से मैं निकला उसी घर का एक सदस्य भी थे। वो दुखद घटना है और करीब जो है ऐसा बता रहे हैं अभी 16 लोगों का जो है कुछ इलाज करके अस्पताल से जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया और अभी भी अस्पताल में 12 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें से डॉक्टर बता रहे हैं एक वेंटिलेटर पे है, लेकिन गांव वाले बता रहे हैं 3 लोग जो है आईसीयू में है। तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है कहानी, तो इसके बाद मैं सीधे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। डॉक्टर से मैं संपर्क में, उनसे मेरी बात भी हो गई। एक बात तो घटना घटी, बहुत दुखद घटना थी, हम सबकी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ हम सब हैं। एक नेता के तौर पे नहीं, आम इंसानियत के नाते भी हम परिवार के साथ हैं। दूसरी बात, जो इलाज होनी चाहिए थी, जैसा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, मैं डॉक्टर को दोष नहीं दूंगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी है और नर्सेस की बहुत अभाव रहता है। जो कुछ भी उनके पास रिसोर्सेस थी उनके हिसाब से कुछ पट्टी मरम्मत करके उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन जिनको भी डिस्चार्ज कर दिया आज उनकी भी अवस्था ठीक नहीं है। किसी का हार्ट टूटा हुआ है, उनको पेन है, दर्द है, 7 दिन हो गए, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। पट्टी करके उनको डिस्चार्ज कर दिया, अब पट्टी होने के बाद रेगुलर बेसिस पे उसकी सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं है। छोटे बच्चे हैं जिनके चेहरे में बहुत अधिक चोट है, बड़े होंगे उनका चेहरा बिगड़ सकता है, तो उसमें अगर अभी से हम कुछ मलम पट्टी और कुछ दवाई शुरू करें तो शायद उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। तो कुल मिला के चिंता करने के लिए कोई नहीं है, ना प्रशासन है ना डॉक्टर की जिम्मेदारी। और गांव में आप सीधे साधे लोग होते हैं, उनको अस्पताल के नाम से ही डर लगता है, डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है और पुलिस प्रशासन से जा कर के बात करने की अवस्था रहती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है ये बहुत देख करके बड़ा दुख होता है और पता चलता है कि मतलब इंसान की कीमत कितनी सस्ती है पश्चिम बंगाल में और ख़ास करके फांसीदेवा में। सो मुझे बड़ा दुख हुआ जो कुछ भी हुआ और घटना के बाद जिस तरह की कार्रवाई तत्काल रूप में प्रशासन ने करना चाहिए था वो उनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं DM को पता भी होगा या DM साहिबा आई भी होंगी या यहाँ का लोकल जो अथॉरिटी वो क्या कर रहा है, BDO क्या कर रहा है, मुझे तो पता नहीं। और यहाँ का आपका PHC सेंटर भी होगा, वहाँ का डॉक्टर आज तक आया नहीं है विजिट करने। सो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन को, डॉक्टर को मैं कहना चाहूँगा, ये लापरवाही ठीक नहीं है। कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं इनकी जगह पे, आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। इसीलिए जो प्रशासन के लोग हैं, जो BDO हैं, जो PHC के यहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आए और रेगुलर बेसिस पे यहाँ आकर के पेशेंट को देखें, उनकी जाँच हो। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ से अस्पताल ही जा रहा हूँ, वहाँ जो पेशेंट की स्थिति होगी उसको देख करके फिर फर्दर क्या ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन बनेगा उस पर मैं
अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूंगा। और जो महिला जिनका हाथ टूटा हुआ था, मैं अपने साथ ही उनको अभी अस्पताल लेकर के जा रहा हूं, उनके बेटर दोबारा उनको अस्पताल में भर्ती करा के अच्छे से ट्रीटमेंट हो उसके लिए। और जो वहाँ पे भर्ती हैं उनकी कंडीशन देख करके फर्दर कहीं और अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा या पीजी में शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी भी जो है मैं बातचीत करूँगा। मैं परिवार के साथ हूँ, जिन परिवार ने अपना बेटा खोया है या अपना पति खोया है, मेरी सांत्वना है और मैंने कुछ मदद भी उनको की है। और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं, तो मैं उनकी जिम्मेदारी पढ़ाई की भी लेता हूँ। और जो लोग भी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको भी थोड़ा बहुत मेरे से जो सहायता हो सकती है वो भी मैं करूँगा, लेकिन मैं मीडिया के सामने उस बात का जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं उन सभी भाई बहन इस घटना में पड़े उनके साथ मैं खड़ा हूँ, और निस्वार्थ भाव से मेरे से जो बन सकता है उससे ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूँगा। और मुझे लगता है मीडिया हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, TMC हो, BJP हो, कांग्रेस हो, CPM हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आज मुझे यहाँ आकर के पता चला गांव के अंदर में हमारे लोग दिन में ही दारू पीते हैं। अगर आपको पीना भी है रात में एक पैक पी लो। मैं वैसे तो ये नहीं कहूँगा दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन गांव में आदत होती है, खास करके हमारे आदिवासी परंपरा के अंदर में थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन वो परंपरा तक रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई सवेरे उठते ही हम फुल जो है दारू पी करके मूड में रहेंगे। दारू पीने से हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं, हम अपनी जीवन को कम कर रहे हैं। आप तो पी के चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है, आपके बच्चे, उनकी क्या हालत होती है कभी हम इस बारे में चिंता नहीं करते। सो आज से मैंने एक संकल्प लिया है, पूरा मेरा NGO का टीम, जहाँ अभी मैं ऑलरेडी 200 गांव में काम करता हूँ संस्कार केंद्र के माध्यम से, अब सब जगह तत्काल रूप से नशा मुक्त अभियान हम अभियान शुरू करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पे 500-700 जितने भी गांव है, हर गांव में जा करके हम वह बैनर लगाएंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करेंगे और नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। मेरी हाथ जोड़ कर सभी हमारे आदिवासी, हमारे राजवंशी, हमारे गोरखा, हमारे बंगलाभाषी, जितने भी समाज के लोग हैं, खास करके जो पुरुष है, मैं उनसे अपील करता हूँ कृपया करके दारू पीना छोड़ दें, क्योंकि ये दारू हम सबको गड्ढे में ले डूबेगी और हमारा परिवार बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, हमारा समाज तहस नहस होगा। दारू से बचेंगे तो हम उज्जवल भविष्य की ओर अपने परिवार को ले जाएंगे। मेरा सबसे अपील है